संबल जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह ने आज थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम मनिहार नगला उर्फ भागनगर के मजरा रामनगर और कलुआ नगला में बनी गौशाला में पहुंचकर पंडित के द्वारा पूजा अर्चना कराई तथा हवन यज्ञ कराकर पूर्ण आहुति देते हुए गौशाला का शिलान्यास किया तथा वहीं ग्राम प्रधान रामवीर सिंह की मौजूदगी में गौशाला की चार दीवारी तथा चरागाह की जमीन निकलवाने के लिए आदेश किया तथा वहां के सेक्रेटरी और अन्य कर्मचारी गणों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस गौशाला के अंतर्गत आने वाली चरागाह भूमि को खाली कराया जाए जिससे कि गौशाला में मौजूद गायों को चारे की व्यवस्था की जा सके। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने गौशाला का शिलान्यास करते हुए ग्राम पंचायत में बने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर दिया जहाँ पर जिलाधिकारी महोदय अविनाश किशन सिंह को विद्यालय में कई कमियां देखने को मिली तथा उन कमियों को सुधारने के लिए समस्त विद्यालय स्टाफ को आदेशित किया कि इन कमियों को सुधारा जाए अन्यथा आपके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। सर, ये जो आपके द्वारा जो आज दौरा किया गया है भागनगर और ये उधनपुर गांव का जो पीपलवाड़ा गांव है, सर यहाँ प्राथमिक विद्यालय में आपने दौरा किया है, प्राथमिक विद्यालय को चेक किया, सर क्या खामियाँ पाई गई और क्या ग्रामीणों की शिकायत है? देखिए, शिकायत के उद्देश्य से तो नहीं, एक सामान्य नियमित उसमें ग्राम भ्रमण के उसमें हम लोगों ने एक निर्णय लिया था सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने, मुख्य विकास अधिकारी और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने कि हम लोग ग्रामीण भ्रमण करेंगे। तो आज एक अच्छा काम हम लोगों ने, जो जनपद में जो छुट्टा गोवंश घूमते हैं उसकी दिशा में हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य योजना बनाकर वो जो छुट्टा गोवंश घूमते हैं उनको अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल बना करके रखने की जो हमारी योजना है जनपद की, उसमें आज हम लोगों ने यहाँ पर एक अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण करवाया है और पंचायत के माध्यम से उसका हम लोगों ने आज इनॉग्रेशन किया और वहाँ पर जो है अब इस क्षेत्र के जितने भी छुट्टा गोवंश होते हैं उनको रखने का एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग आए थे और उसके बाद हम लोगों ने रामनगर नगला गांव और इसके बाद ये रुस्तमपुर पीपलवाड़ा गांव में हम लोगों ने विजिट किया है, जिसमें कि स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, वहां पर गांव में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी, शौचालयों की स्थिति, साफ सफाई, मनरेगा के कार्यों की स्थिति आदि, जो स्वास्थ्य विभाग से हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उसको, ICDS के, इन सारे कार्यक्रमों को एक साथ हम लोगों ने रूट लेवल पर गांव स्तर पर आकर के देखने का काम किया है। काफ़ी कुछ काम हुआ है, कुछ कमियां हैं मौके पर जो दिखाई दी हैं उस दिशा में हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे और इसको इम्प्रूव भी करेंगे, अगर कोई दोषी है तो उसको दंडित भी करेंगे, बाकी जगहों पर हम लोग सुधार करेंगे, जनता की शिकायतें कम से कम हों, जनता की शिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, यह भी हम लोग मौके पर सुनिश्चित करें।